हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीम रिएक्शंस के जो कन्वर्जन्स है तो वो कैसे कन्वर्ट होता है और ये सॉम में भी आपको यूज़ होगा। एग्जांपल क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा तो इसमें आपको दिखता है ये यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और यहाँ पे एक है और यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो ये सब के कन्वर्जन्स क्या है फ्री बॉडी डायग्राम आपको ऐसे बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो वो फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे है। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL, तो ये ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन में आपको। एग्जांपल यहाँ पे दिया है वैसे 5 किलो न्यूटन वाला, तो ये यहाँ से 2 मीटर के लिए पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मतलब ये 2 मीटर पूरा ऐसे स्ट्रेट है। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सिंपली एल जो है उसका हाफ में कर देंगे, L/2 L/2, तो उसके सेंटर में जो आता है आधे में आपको यहाँ पे एक फोर्स रहेगा एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड वो जो रहेगा उसका वैल्यू जो है 10 किलो न्यूटन एग्जाम्पल है। तो वेट जो है वेट इंटू लेंथ, सो 10 इंटू ये जो एल का वैल्यू जो भी है, एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, सो 2 10 इंटू 2 20, तो उसका वेट हुआ 20 किलो न्यूटन। एंड सेकेंड वन इज़ UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो अगर आपको ऐसे ट्राइंगल जैसे मिलता है तो ट्राइंगल आप देखो कि किस साइड है। एग्जाम्पल ट्राइंगल अभी ये साइड है, तो इसका जो 90 डिग्री राइट एंगल बनता है ना, तो वहाँ पे आप याद रख लो एक हिंट कि ऐसे यहाँ पे एक छोटे से डिस्टेंस पे L/3 रहता है इसका लेंथ, और उसके जो आगे का रहता है वो 2/3 L रहता है। ये जो लेंथ है पूरा उसको हम डिवाइड करते हैं, तो फिर बाद में फोर्स हम यहाँ पे देते हैं एग्जैक्टली L/3 के डिस्टेंस में। अगर ये ट्राइंगल आपको ऐसे दे दिया तो आपको यहाँ पे L/3 रहेगा एंड यहाँ पे 2/3 L रहेगा लेंथ। फिर यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है, सो जो वेट आपको दिया है इंटू लेंथ पूरा ये वाला, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। फिर बाद में आता है ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल में आपको दोनों का मिक्सचर करना है। एग्जांपल ऐसे दिया है आपको ट्रेपेजॉइडल में, इसका एक लेंथ दिया है, वेट दिया है, यहाँ पे एक वेट अलग है, यहाँ पे एक वेट अलग है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो ऊपर ट्राइंगल हो गया, नीचे यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड हो गया ये वाला। सो ये W1 ही रहेगा इसके पूरा। सो ये तो आप ऐसे कन्वर्ट कर देंगे L/2 L/2, और जो सेंटर में आया वो लोड वेट रहेगा वेट इंटू लेंथ। तो ये हो गया आपका नीचे का पार्ट, और ऊपर के पार्ट के लिए एक ट्राइंगल जो बना है, सो ट्राइंगल का डायरेक्शन ये साइड है, यहाँ पे L/3 रहेगा और यहाँ पे 2/3 L रहेगा नीचे लेंथ। फिर यहाँ से जो वेरिंग लोड रहेगा, ये लोड क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हो गया, लेकिन इसके लिए जो वेट लेंगे वो W2 - W1 रहेगा, W2 - W1, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद में ऐसा वाला आएगा वेरिंग लोड, सो ये भी ऐसे ही यहाँ पे जो बनता है यहाँ से L/4 है, तो इसका लेंथ ज़्यादा है यहाँ से। ये टोटल लेंथ को आप ऐसे डिवाइड कर देंगे L/4, बाकी जो बचा है वो आगे पार्ट रहेगा। तो उसके बाद आपको ये वेट, ये लोड आपको दिखाना है एरो के साथ कि वेट इंटू लेंथ अपॉन 3, तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। फिर उसके बाद सपोर्ट हमारे पास है, रोलर सपोर्ट हिंज सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में आपको ये देखना है कि एक ही रिएक्शन आता है रोलर में, वो भी परपेंडिकुलर नॉर्मल रहता है। तो अभी अगर आपका रोलर अगर ऐसे एंगल में दिया है 60 डिग्री एंगल में, रोलर आपका ऐसा टिल्ट है तो ये परपेंडिकुलर ही रहता है रोलर स्ट्रेट, तो इसका एंगल क्या होगा, ये 60 है और ये परपेंडिकुलर 90 है, तो इसका एंगल 30 हुआ। रोलर ये रिएक्शन हो गया आपका एक ही रहता है, और हिंज में आपका रहता है दो वाला, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एंड देन ये फोर्स कन्वर्जन आपको पहले वीडियो में बताया हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।